स्वतंत्र चिंतन हर मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति को बंधनों से परे ले जाकर स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने की क्षमता देता है। ये ऐसा गुण है जिससे उसकी सोच इंडिपेंडेंट होती है, नई होती है, उसको क्रिएटिव बनाती है और फलस्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता के ये अर्थ नहीं कि दूसरों के विचारों को हम ना सुने, ना सहन करें, चाहे वो हमें प्रिय ना हो, पर यह बताता है कि स्वतंत्र चिंतन का आधार है विविधता का सम्मान। स्वतंत्र रूप से जब व्यक्ति सोचता है तो उसका दृष्टिकोण बढ़ता है, वो एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण से विकसित होता है और ये उसके व्यक्तिगत रूप में भी उसको फायदा करता है और सामाजिक जीवन को भी वो समृद्ध बनाता है। स्वतंत्र चित्ता के माध्यम से व्यक्ति अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी मान्यता को तर्क की कसौटी में कसता है। ऐसा चिंतन व्यक्ति को विचारों से उन विचारों से मुक्त करता है जो उसे अंधविश्वास, कट्टरता और संकीर्णता में जड़ देते हैं। इस चिंतन से वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है और भावी चुनौतियों को सामना करने में उसकी तैयारी को निखारता है। अब ये कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर लड़की के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, मर्डर और रेप, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये जघन्य अपराध है। क्यों व्यक्ति सड़क पर आता है? जब उसका स्वतंत्र चिंतन उसको बाध्य करता है कि हम इस मुहिम में हिस्सा बने। ये समाज के जो गंदे तंत्र हैं उसमें समाधानों को जन्म देता है, समाज के विकास में उसका व्यक्ति का व्यक्तिगत योगदान होता है और इस तरह से जहां हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होता है, स्वतंत्र चिंतन से उस जिम्मेदारी से उसे निभाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जहां पर अनुशासनहीन हो, अराजकता हो, उसके ऊपर आवाज उठाना। जब हमारी सोच ईमानदार, तर्कशील होगी, तभी हमारा स्वतंत्र चिंतन शक्तिवान होगा, जो व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाती है, बशर्ते उसकी सही दिशा में उपयोग किया जाए। आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगे तो इसको लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने मेरी YouTube को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए।